हेलो दोस्तों, राम राम। आज हम बना रहे हैं आलू पत्ता गोभी, आलू सब्जी, और एक फूल और एक तीन चार हरी मिर्च और एक टमाटर लिया है। हम इससे ही सब्जी बनाएंगे। आज दिखाने आपको दिखाने वाले हैं कि बिना लहसुन प्याज के सब्जी कैसे बनाई जाती है। आज हम बनाने वाले हैं आप पत्ता गोभी, और सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च से बनाएंगे। और ये मैंने अब काटना शुरू करता हूँ। मैं ये पत्ता गोभी बारीक बारीक काट लेता हूँ, ना ज़्यादा मोटी काटूँगा ना ज़्यादा बारीक काटूँगा, मीडियम साइज़ काटूँगा। तो ये हमने अपनी पत्ता गोभी काटना स्टार्ट कर दी है, और ये मैं ना ज़्यादा मोटी काटूँगा, क्योंकि ज़्यादा मोटी भी अच्छी नहीं रहती, और ज़्यादा पतली भी बारीक भी अच्छी नहीं रहती, फिर वो घिजली घिजली होती है। थोड़ा मोटा थोड़ा मीडियम साइज़ होता है तो उसमें अच्छा भी लगता है, थोड़ा पकाने में भी भूनने में भी अच्छी लगती है। तो अब हम इसे पत्ता गोभी को कट कर लेते हैं। ऐसे ही मैं सारी गोभी को कट कर लूँगा धीरे धीरे। ये मैंने कट करना स्टार्ट कर दिया है। आपको बिना लहसुन प्याज, बहुत कहते हैं लहसुन प्याज की आज सब्ज़ी कुछ लोग खाते नहीं हैं, लहसुन प्याज खाना पसंद नहीं करते, तो आज हमने सोचा क्यों नहीं आज बिना लहसुन प्याज की पत्ता गोभी बना के दिखाई जाए। तो ये मैंने कट कर लिया। अगर आपको बारीक लगे तो आप गिलास से भी काट सकते हैं। ऐसे ज़्यादा करें हम देहाती लोगों में होता है, हम लोग देसी लोग ऐसे चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे कट कट करना चालू कर देते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप अगर चाकू छुरी ना हो तो आप इससे भी कट कर सकते हैं, और आपको मन चाहा वैसे अपना बना सकते हैं। अब मैंने बढ़िया करके धो ली है। अब मैं इसे कुकर में डालता हूँ, सीटी लूँगा, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं उबाल कर। उबालने से कई फ़ायदे होते हैं। उबालने से एक तो ये फ़ायदे होते हैं, जो इसके अंदर कीटाणु कीड़े जो भी होता है वो सारे उबालने सीटी मारने से भाप से मर जाते हैं, और सारे नष्ट भी हो जाते हैं, दिखता साफ हो जाता है बिल्कुल। हमने इसे उबालने रख दिया है। हम इसमें दो सीटी लेंगे। जब तक हमारी दो सीटी आ रही हैं तब तक हम अपने लहसुन प्याज ये टमाटर प्याज काटते हैं। मैंने थोड़ी सी अदरक ली है, एक प्याज टमाटर और दो तीन हरी मिर्च, हम इन्हें काट लेते हैं। पहले तो मैं अदरक काटूँगा बारीक बारीक। आपके पास अदरक हो तो डाल दें, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई खास नहीं है। अदरक आपको बिल्कुल देसी स्टाइल दिखा रहा हूँ, देसी तरीका से बना के, क्योंकि मसाले सबके पास नहीं होते हैं। हर कोई कहता है यार मसालों से, बिना मसालों के बना के होना चाहिए सब्जी, तो आज हम बिना मसालों के देंगे, ना कोई मसाला नहीं होगा, सिंपल तरीके से बिल्कुल, और आप बहुत अच्छी भी लगती है, लाजवाब भी लगती है। मसाले से क्या होता है, आज के मसाले का स्वाद होता है लेकिन सब्जी का टेस्ट नहीं आता, लेकिन सब्जी का टेस्ट तो उसके वासी आता है ना। तो हम आज बिना मसाले के किसी के ना कोई लहसुन ना प्याज, सिर्फ टमाटर अदरक से काटेंगे। मैंने टमाटर भी काटना स्टार्ट कर दिया है। टमाटर मैं इधर काट लेता हूँ। टमाटर काट लिए, मेरी सीटी आ गई, मैंने ठंडा देखा है, मेरे अच्छे से उबल गई है, मैंने देख लिया अच्छे से उबल गई। अब मैं इसे छान लेता हूँ। छानने के लिए हमने ये छलनी ले ली है, सारा पानी निकाल दिया है, जो भाप से पानी पत्ता गोभी में मैंने कहा बहुत पानी होता है, तो वो भाप से हमने पानी डाला नहीं था, भाप अपने आप हो गया, ये पत्ता गोभी ने पानी छोड़ा हो गया। अब हम इसे छौंकने की तैयारी करते हैं। ये मैंने गैस जला दी, कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें थोड़ा घी डालेंगे। वैसे मैं सरसों का तेल डालूंगा, लेकिन घी भी डाल सकते हैं आप लोग, घी में पसंद जिस चीज़ में आप खाना पसंद करते हैं, लेकिन हम इसमें सरसों का तेल डालते हैं। हम सरसों का तेल पहले ही जला के रख लेते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, बस क्योंकि भुनने में बहुत टाइम लेता है। तो हमने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा हम अच्छे से चटकने देंगे। आप जीरा के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथी दाना हुआ, अजवाइन हुआ। वैसे पत्ता गोभी के साथ मेथी दाने का ही ज़्यादा टेस्ट होता है, लेकिन हम लोग मेथी, हमारे घर में क्या है, मेथी दाना खाना पसंद नहीं करते, तो हम लोग जीरा में चौक रहे हैं। मैंने अदरक डाल दी है, अदरक मेरी अच्छे से भून रही है, हमें अदरक को ज़्यादा भूनना नहीं है। और हमने ये अब इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। मैं टमाटर को अच्छे से पकने दूंगा। टमाटर मेरे अच्छे से पकेंगे तब तक, और हमें मीडियम गैस करनी है, ना ज़्यादा फुल पे नहीं करना है, मीडियम साइज से। उससे क्या होता है मसाला जलता ज़्यादा है, तो हमने इसे मीडियम आँच पे बना रहे हैं। टमाटर मेरे अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूंगा, जो मैंने काटी थी हरी मिर्च मैंने डाल दी है। इसमें एक चम्मच नमक अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। मैंने ये थोड़ी सी हल्दी ली है, आधी चम्मच लाल चम्मच ली है, लाल मिर्च ली है, आधी चम्मच धनिया पाउडर लिया है, और हम इसे मिला लेंगे।
अब हम इन्हें अच्छे से भुनने देंगे, पकने देंगे मसाले को, जब तक हमारा ये मसाला तेल नहीं छोड़ते। मेरे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, देखिए कितने अच्छे से तेल छोड़ दिया और पक भी कितना अच्छा रहा है, कोई मसाला भी नहीं चला है जिस। और अच्छे से अब हम इसमें पत्ता गोभी ऐड कर देंगे, मैंने पत्ता गोभी इसमें ऐड कर दिए। अब हम अच्छे से इसे मिला लेंगे, हमें धीमी आँच रखनी चाहिए, रखना है याद रहे। और अच्छे करके ये देखिए मेरी पत्ता गोभी बिल्कुल भून के रेडी हो गई है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट मेरे हो गए हैं, अब मैं इन्हें उबार के देखता हूँ मेरी सब्ज़ी कैसी हुई है। आहा, क्या जवाब, सब्ज़ी ने क्या रंग दिया है और कितनी अच्छी लग रही है। आप देख रहे हैं कोई मसाला नहीं डाला मैंने, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है और बहुत स्वाद भी लगेगी खाने में। जितनी अच्छी दिखती है उतना अच्छा खाने में भी लगती है। तो इसी तरीक़ा से आप लोग बनाइए बिना मसाले के। वीडियो सही लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़।